दोस्तों ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे उस मैच की, जिसमें श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को महज 54 रनों पर ऑल आउट करके पूरी दुनिया के सामने भारतीय टीम का मजाक उड़ाया था। और मैच के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी सनत जयसूर्या ने सौरभ गांगुली से इतना तक कह दिया था कि दादा श्रीलंका को हल्के में लेने की गलती तुम दोबारा कभी मत करना। और दोस्तों जिसका जवाब देते हुए गांगुली ने बस इतना कहा था कि तुम्हारा यह घमंड भारत ही तोड़ेगा और बस तुम समय का इंतजार करो। और दोस्तों यह साल था 2001 का, जहां कोका कोला चैंपियन ट्रॉफी के तहत भारत और श्रीलंका के बीच एक निर्णायक मुकाबला शारजहां के मैदान में खेला जा रहा था, और जहां श्रीलंकाई कप्तान सनत जयसूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और फिर श्रीलंका की पारी की शुरुआत होती है और मैच शुरू होते ही शुरू हो जाता है जयसूर्या का तांडव, जहां भारतीय गेंदबाजों पर काल बनकर बरस पड़े थे जयसूर्या। और जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए वन मैन आर्मी बनकर रनों का अंबार लगाते हुए 189 रनों की धुआंधार पारी खेल डाली थी, जिसके दम पर श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 300 रनों का टारगेट टीम इंडिया के सामने रख दिया था। और फिर भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, और जहां सौरभ गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। लेकिन भारतीय टीम शुरुआत से ही इस बड़े टारगेट के दबाव में थी, और चमिंडा वास की गेंद पर गांगुली बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में जयसूर्या के हाथों में कैच थमा बैठते हैं, और महज 3 रनों के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग जाता है। और तब सचिन का साथ देने युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, और जब तक सचिन क्रीज पर थे पूरे भारत की जीत की उम्मीद टीम इंडिया के साथ खड़ी थी। लेकिन लोगों की ये उम्मीद अगले ही पल तब टूट जाती है जब सचिन भी चमिंडा वास की गेंद पर कट एंड बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों श्रीलंकाई खेमा खुशी से झूम उठता है, क्योंकि महज 10 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। और फिर तो भारतीय टीम के ऊपर मनहूसियत का ऐसा साया पड़ा कि कोई भी बल्लेबाज मैदान पर अपना पांव नहीं जमा पाता है, और भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। और 8-1, 10-2, 15-3, 19-4, 30-5, 39-6 और 44-7, 49-8 और 50-9 और 54 रनों तक जाते जाते पूरी टीम इंडिया अपने सारे विकेट गंवा देती है। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों का हाल ये था कि इस पारी में सिर्फ रॉबिन सिंह ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंचे थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 11 रन बनाए थे। दोस्तों महज 54 रनों पर ऑल आउट होकर भारतीय टीम ये मैच तो हार जाती है, और साथ ही कलंक का एक ऐसा दाग अपने सर पर ले लेती है जिसने भारतीय क्रिकेट को हिला के रख दिया था। लेकिन भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने उस हार के बाद श्रीलंका और जयसूर्या को यह खुली चुनौती देकर आए थे कि उनका यह घमंड एक दिन भारत जरूर तोड़ेगा, और उस दिन टीम इंडिया तुम्हारा वो हाल करेगी कि रोने के लिए तुम्हारे आंखों में आंसू कम पड़ जाएंगे। और दोस्तों देखते ही देखते फिर कुछ दिन बीता, समय बीते और गुजर गए कई साल, और आखिरकार वो दिन आ चुका था जब सौरभ गांगुली की भविष्यवाणी सच होने वाली थी। और जहां भारतीय टीम श्रीलंका से अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए मैदान में कमर कस चुकी थी, और 2021 एशिया कप के तहत यह मौका दस्तूर बनकर आ चुका था, और एशिया कप के फाइनल ट्रॉफी के लिए यह दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। और यह मैच श्रीलंका के होम ग्राउंड कोलंबो में खेला जा रहा था, और श्रीलंका को उसके घर में घुसकर भरे महफिल में बदले का ऐसा मौका फिर कहां मिलने वाला था। और दोस्तों कोलंबो का आर प्रेमादास स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भर चुका था। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि पाकिस्तानी दर्शक जो सपना लेकर आए थे कि पाकिस्तान को एशिया कप का फाइनल खेलते हुए देखेंगे, और अब पाकिस्तान टीम तो फाइनल में पहुंच नहीं पाई, इसलिए भारत और श्रीलंका के इस मैच में पूरा पाकिस्तान श्रीलंका को सपोर्ट करने उतर चुका था। टॉस का समय हो चुका था और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का श्रीलंकाई कप्तान के पक्ष में गिरता है, और उन्होंने टॉस जीतकर
पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई बल्लेबाजों का सामना एक ऐसे तूफान से होता है जिसका नाम मोहम्मद सिराज था, और सिराज की लहराती गेंद का श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। पहली ओवर की तीसरी गेंद पर ही सिराज ने पी निशंका को आउट करके भारत को पहली सफलता दिला दी, और फिर उसके अगले ही ओवर में बूम बूम बुमराह ने कुशल परेरा को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, और उसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। एक रन पे पहला झटका, 3-2, 8-3, फिर 8-4, 12-5, फिर 12-6, 33-7, 40-8, 50-9 और फिर 50-10। दोस्तों, हो गया श्रीलंकाई बल्लेबाजों का पूरा काम तमाम। सिराज ने एक के बाद एक 6 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिसके कारण श्रीलंका की पूरी टीम महज 50 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है, और भारतीय टीम ने दादा की भविष्यवाणी को सच करते हुए आर प्रेमादास स्टेडियम को श्रीलंकाई आंसुओं से भर दिया था, और फिर जवाबी कार्रवाई में भारत ने बिना कोई विकेट खोए महज 6 ओवर में ही इस टारगेट को हासिल करते हुए एशिया कप टीम इंडिया के नाम कर दिया था। और दोस्तों, कुछ समय के बाद ही श्रीलंका की टीम भारत आई तो बचा कुचा कसर वहां पूरा कर दिया गया। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले तो भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 358 रनों का विशाल टारगेट श्रीलंका के सामने रखा, और जवाबी कार्रवाई में जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो इस बार मोहम्मद शमी उनके लिए काल बनकर खड़े थे, जिन्होंने 5 विकेट चटकाते हुए एक बार फिर से श्रीलंका को मात्र 55 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था। और तब दादा ने जयसूर्या के सामने सीना तान कर कहा था कि आंख खोल कर देख लो जयसूर्या, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा यह घमंड एक दिन भारत ही तोड़ेगा।